गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम बिहाइव की फर्स्ट पोयम द रोड नोट टेकन करेंगे। इसके राइटर का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट है। दिस वेल नोन पोयम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस, द रोड नॉट टेकन। रोड यहाँ पर चॉइस के बारे में बताती है कि हमें कौन सी सड़क चूज़ करनी है अपने लिए, हमें लाइफ में कौन से रास्ते पर जाना है, इस बारे में ये पोयम है। एंड द चॉइस दैट शेप्स अस, और ये चॉइस ही हमें शेप करती है, यानी हमारे डेस्टिनी को डिसाइड करती है, हमारे फ्यूचर को डिसाइड करती है। हम आगे लाइफ में कैसे करेंगे, हम क्या बनेंगे, ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने चॉइस कैसी की है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट हु राइट्स सिंपली बट इनसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट है जो कि बहुत ही सिंपल चीज़ों के बारे में लिखते हैं, लेकिन उनकी सिंपल राइटिंग भी इंसाइटफुल होती हैं, यानी उनमें गहरे भाव रहते हैं, गहरी सोच रहती है कॉमन चीज़ों के बारे में, कॉमन ऑर्डिनरी यानी साधारण एक्सपीरियंसेस के बारे में वो लिखते हैं, लेकिन बहुत ही फिलोसफिकली लिखते हैं। पोएम शुरू करते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड। येलो वुड, येलो का मतलब यहाँ पर पतझड़ का मौसम है, पेड़ों के पत्ते येलो हो रहे हैं और वो एक जंगल में खड़ा है जहाँ उसके सामने दो रोड आ जाती हैं, दो सड़क आ जाती हैं, यानी उस जगह पर आकर उसके सामने दो रास्ते थे, वो इस रास्ते से भी जा सकता था या वो उस रास्ते से भी, दोनों में से वो कोई सा रास्ता भी चूज कर सकता था। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मैं दोनों पर नहीं ट्रैवल कर सकता था, मैं एक ही रास्ते पर चल सकता था, यानी लाइफ में हम दोनों चॉइस नहीं रख सकते, या तो हम एक रास्ते पर चलेंगे या दूसरे रास्ते पर चलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान डॉक्टर भी बन जाए और इंजीनियर भी बन जाए, उसे अपने लिए एक रास्ता चूज़ करना होता है। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, क्योंकि मैं एक ही ट्रैवलर था और एक होने के कारण मैं एक ही रास्ते पर जा सकता था, दोनों रास्ते पर चलना इम्पॉसिबल था। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, मैं वहाँ बहुत देर तक खड़ा रहा और उन दोनों रास्तों को देखता रहा, यानी सोचता रहा कि मुझे कौन से रास्ते पर जाना चाहिए। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, मैं उन दोनों रास्तों को वहाँ तक देखता रहा जहाँ तक अंडरग्रोथ, यानी जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी, जहाँ तक आगे पेड़, अंडरग्रोथ का मतलब है घने पेड़ थे। इंसान की जो नज़र होती है वो असीमित नहीं होती, एक निश्चित दूरी तक ही देख सकते हैं, तो वो दोनों सड़क को देख रहा था जहाँ तक उसकी नज़र जा रही थी, यानी वो कैलकुलेट कर रहा था कि उसे अपने जीवन में किस रास्ते पर जाना चाहिए। हो सकता है ये चॉइस उसके कैरियर को लेकर हो, वो सोच रहा हो कि वो पोइट का कैरियर चुने या फिर कोई दूसरा कैरियर चुने, और जहाँ तक उसकी नज़र जा रही, यानी वो सोचने की कोशिश कर रहा था कि किस कैरियर को अपना करके किस रास्ते पर जाकर उसे क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। देन टुक द अदर, और उसके बाद मैंने दूसरा रास्ता चुना, यानी उसने पहले रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता चुना। जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, पॉइंट कह रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि ये दूसरा रास्ता भी उतना ही फेयर था, उतना ही अच्छा था जितना कि पहले वाला, और शायद बेटर क्लेम कर रहा था, यानी शायद इससे बेटर था ये, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि ये दूसरा रास्ता ग्रासी था, यानी इस पर घास उगी हुई थी और वॉन्टेड वेयर था, इस पर वॉन्टेड वेयर का मतलब होता है इस पर ज़्यादा लोग ना चले हों। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर बहुत सारे लोग चलते हैं वहाँ की घास दब जाती है, पगडंडी बन जाती है वहाँ पर, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं चलते वहाँ पर घास उगी रहती है, खड़ी रहती है। तो ये वांटेड वेयर थी, यानी इस पर कम लोग चले थे। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, हालांकि अगर इस पर भी लोग जाते तो ये भी बिल्कुल वैसी हो जाती, यानी अगर ज़्यादा लोग इस कैरियर को चुनते, इस सड़क को चुनते, तो ये भी पहले जैसी हो जाती, लेकिन कम लोग इस पर गए हैं, ज़्यादातर लोग पहली वाली सड़क पर गए हैं, तो ये वाली वांटेड वियर है, इस पर घास उगी हुई है, इसलिए राइटर ने इस सड़क को चुना। कहने का मतलब है हम सबके जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हमें चॉइस करनी पड़ती है, चुनाव करना पड़ता है
कि हम कौन सा कैरियर चुने, हम कौन सा रास्ता चुने, हम क्या काम करें क्या काम छोड़ें, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हम सब कुछ नहीं कर सकते, तो हमारी लिमिटेशंस होती हैं, इसलिए हमें एक कैरियर चुनना पड़ता है, दूसरे को छोड़ना पड़ता है, यानी बहुत सारे चुनाव करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में। पॉइट ने दूसरी सड़क को चुना। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। पॉइट कह रहे हैं कि उस सुबह दोनों एक जैसी थी, दोनों ही इक्वली थी, दोनों पर ही पत्तियां पड़ी हुई थी, यानी सुबह से उन दोनों ही सड़क पर कोई नहीं चला था। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, कोई भी पैर के निशान उस पर नहीं थे, यानी दोनों ही सड़कें एक जैसी थी। पॉइंट कहना चाह रहा है कि हम लाइफ में कोई सा भी रास्ता चुन ले, अगर हम अच्छे से काम करते हैं तो दोनों में ही सफल हो सकते हैं, दोनों पर ही हम अच्छे से अपना कैरियर बना सकते हैं। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने पहली सड़क छोड़ दी कि इस पर मैं फिर किसी दिन चलूँगा, आज के लिए मैंने दूसरी वाली चुनी। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। येट नोइंग यानी जानता था कि ये उस रास्ते पर जाएगी, लेकिन फिर भी मुझे डाउट था, मुझे शक था कि मैं वापस लौट कर आऊँगा। यानी हम अपने जीवन में जब कोई एक कैरियर चुन लेते हैं, जब कोई एक रास्ता चुन लेते हैं, तो हम उसी पर चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम वापस लौट कर आते हैं और फिर दूसरे रास्ते पर चलते हैं, और जो लोग ऐसा करते हैं वो कहीं नहीं पहुंच पाते, यानी उनका कैरियर कभी नहीं बन पाता। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, हो सकता है मैं ये बात एक लंबी सांस, एक गहरी सांस के साथ बताऊं, यानी हो सकता है कि मेरा जो इस सड़क को चुनने का डिसीजन था ये सही ना हो, हो सकता है मुझे उतनी सफलता ना मिले जितनी कि पहली सड़क पर मिलती, लेकिन फिर भी उसने उस रास्ते को चुना। वो कह रहा है कि हो सकता है कि मैं यहाँ पर, मैं बाद में जब इस बारे में बताऊँ तो ये मैं बहुत खुशी के साथ ना बताऊँ, लंबी सांस लेकर बताऊँ अपने एक्सपीरियंसेस को। समवेयर एजेस एंड एजेस, बहुत समय बाद जब लोग मुझसे मेरे एक्सपीरियंस पूछेंगे तो हो सकता है कि मेरे पास बताने के लिए कुछ अच्छी बातें ना हो और मैं अपनी सफलता के बारे में ना बता पाऊँ। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, दो रोड जो कि एक जंगल में डाइवर्ज हो रही थी, डाइवर्जन हो रहा था, जो कि अलग अलग दिशा में जा रही थी। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उस सड़क को चुना जिस पर कम लोग गए हैं, जिस पर कम ट्रेवल हुआ है। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और यही एक चीज़ है जिसने कि सारा डिफरेंसेस किया है, यानी कि इसी एक चीज़ से अंतर आया है। इस तरह से ये पोयम बताती है कि इंसान को अपने जीवन में चॉइस करनी पड़ती है, चुनाव करना पड़ता है, उसे अपने कैरियर को लेकर अपनी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें उसे चुनाव करना पड़ता है, और हम जो चुनाव करते हैं उसी का रिजल्ट होता है हमारी सफलता या असफलता। लेकिन यहाँ पर पोइट कह रहा है कि दोनों ही रास्ते एक जैसे होते हैं, दोनों ही रास्तों में परेशानियां आती हैं, दोनों ही रास्तों में चैलेंजेस आते हैं, और जो इनको ब्रेवली फेस करता है वो सफल हो जाता है, चाहे उसने कोई सा भी रास्ता चुना हो, और जो डर जाता है वो अपना रास्ता, वो अपना सफ़र पूरा नहीं कर पाता। तो अब इस पोएम की राइमिंग स्कीम देखते हैं। वुड मैच करता है स्टूड से और कुड से, यानी ए ए और ए, बोथ और ग्रोथ दोनों आपस में मैच करते हैं, बी बी, यानी इसकी राइमिंग स्कीम हो गई ए बी ए ए बी। आपको हर पोएम की राइमिंग स्कीम ध्यान रखनी है, ये आपको क्वेश्चन में भी आ सकती है। बच्चों आपको पोइट्री में सेंट्रल आइडिया करने के लिए आएगा एग्ज़ाम में, और पोएम की चार लाइनें, आपको पोएम की लाइनें भी तैयार करनी होंगी, और साथ ही आपको चार लाइन का एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा जिसमें क्वेश्चंस होंगे, और आपको उन क्वेश्चंस के आंसर उस पैराग्राफ से या उन चार लाइनों से ढूंढने होंगे। आपको सिर्फ यही तीन चीज़ें पोइट्री में करनी है। आपको हर पोएम का नाम, पोएट का नाम और राइमिंग स्कीम अच्छे से पता होनी चाहिए।